दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम मोदी को मिली एसपीजी सिक्योरिटी क्या है और आखिर क्या होता है उनका ट्रेवल प्रोटोकॉल। और दोस्तों पंजाब में जो कुछ भी हुआ उस सुरक्षा चूक का जिम्मेदार कौन है। दोस्तों पंजाब में फिरोजपुर जिले के मुदकी के पास नेशनल हाईवे पर कुछ प्रदर्शनकारी किसानों ने पीएम मोदी का रास्ता रोक लिया। इसके बाद एक फ्लाईओवर पर बारिश के बीच प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक रुका रहा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये एक बड़ी चूक थी। केंद्र सरकार और बीजेपी ने इसके लिए पंजाब की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। दोस्तों इसके बाद पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? पीएम की सड़क या हवाई यात्रा के दौरान क्या प्रोटोकॉल होता है? पंजाब में हुई सुरक्षा चूक के लिए कौन जिम्मेदार है? चलिए दोस्तों बात करते हैं पीएम मोदी की सुरक्षा के पूरे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में। दोस्तों एसपीजी के कंधों पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा होता है। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की होती है। प्रधानमंत्री के चारों ओर पहला सुरक्षा घेरा एसपीजी जवानों का होता है। दोस्तों पीएम की सुरक्षा में लगे इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। इनके पास MNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन और 17M रिवॉल्वर जैसे मॉडर्न हथियार होते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री के दौरे का प्रोटोकॉल क्या होता है, चलिए अब हम इसके बारे में आपको बताते हैं। किसी राज्य में पीएम के दौरे के समय चार एजेंसियां सुरक्षा व्यवस्था देखती हैं। एसपीजी, एएसएल राज्य पुलिस और स्थानीय प्रशासन। एडवांस सिक्योरिटी संपर्क टीम यानी कि एएसएल प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हर जानकारी से अपडेट होते हैं। एएसएल टीम केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के संपर्क में होती है। केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारी एएसएल की मदद से प्रधानमंत्री के दौरे की निगरानी रखते हैं। दोस्तों स्थानीय पुलिस पीएम के दौरे के समय रूट से लेकर कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा संबंधी नियम तय करती है। आखिरकार पुलिस के निर्णय की निगरानी एसपीजी अधिकारी ही करते हैं। केंद्रीय एजेंसी एएसएल प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल और रूट की सुरक्षा जांच करता है। दोस्तों इसके साथ ही एसपीजी पीएम के करीब आने वाले लोगों की तलाशी और प्रधानमंत्री के आसपास की सुरक्षा को देखता है। स्थानीय प्रशासन पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है, क्या पीएम की सुरक्षा में चूक के लिए सिर्फ एसपीजी ही जिम्मेदार है? ऐसा नहीं है। पीएम को सुरक्षा देने की पहली जिम्मेदारी भले ही एसपीजी की हो, लेकिन किसी राज्य के दौरे के समय स्थानीय पुलिस और सिविल प्रशासन भी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। प्रधानमंत्री के रूट को तय कर उसकी जांच और उस रूट पर सुरक्षा देने का काम स्थानीय पुलिस और प्रशासन का ही होता है। दोस्तों प्रधानमंत्री के काफिले का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी उस राज्य के डीजीपी की भी होती है। उनके नहीं मौजूद होने की स्थिति में दूसरे सबसे सीनियर अधिकारी प्रधानमंत्री के काफिले के साथ चलते हैं। दोस्तों चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री की हवाई यात्रा के दौरान क्या प्रोटोकॉल होता है। प्रधानमंत्री किसी कार्यक्रम में हेलीकॉप्टर के जरिए जा रहे हैं तो किसी खास परिस्थिति के लिए कम से कम एक वैकल्पिक सड़क मार्ग तैयार रखने का नियम होता है। इस रास्ते पर सुरक्षा व्यवस्था की जांच सीनियर पुलिस अधिकारी पीएम के दौरे से पहले करते हैं। दोस्तों इस रास्ते पर सुरक्षा जांच रिहर्सल के समय एसपीजी, स्थानीय पुलिस, खुफिया ब्यूरो और एएसएल की टीम के अधिकारी सभी शामिल होते हैं। एक जैमर वाली गाड़ी भी काफिले के साथ चलती है। ये सड़क के दोनों ओर 100 मीटर दूरी तक किसी भी रेडियो कंट्रोल या रिमोट कंट्रोल डिवाइस को जाम कर देते हैं। इससे रिमोट से चलने वाले बम या आईईडी में विस्फोट नहीं होने देता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ साथ हम आपको ये भी बता देते हैं कि पीएम मोदी की सुरक्षा पर एक दिन में कितना खर्चा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा पर रोजाना 1,62,00,000 रुपए खर्च होते हैं। ये जानकारी 2020 में संसद में दिए गए एक प्रश्न के लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने दी थी। उन्होंने लोकसभा में बताया कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी सिर्फ प्रधानमंत्री को ही सुरक्षा देता है। साल 1981 से पहले भारत के प्रधानमंत्री के आवास की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के उपायुक्त की होती थी। इसके बाद सुरक्षा के लिए एसटीएफ का गठन किया गया और 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक कमेटी बनी और 1985 में एक खास स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बनाई गई और तब से इसी के पास प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।